Hello everyone, I'm Sonika Rumba, your SST teacher. And today I'm here to teach you SST of class 2. Okay, so today our topic is It's Me. Okay, so आज का हमारा टॉपिक है इट्स मी. तो इस लेसन में हम किसी और के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम खुद के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें किसी और के बारे में जानने से पहले हमें खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना. क्योंकि अगर कोई आके आप लोग को कहेंगे कि आपका फेवरेट फ्लावर क्या है, फेवरेट फ्रूट्स क्या है, आप कितनी आसानी से बता देंगे, है ना, मेरा फेवरेट फ्लावर ये है, फेवरेट फ्रूट्स ये है, है ना, बहुत अच्छी तरीके से बताओगे आप सब के सब. पर अगर कोई आके आपके बारे में पूछेंगे पर आप लोग को खुद के बारे में ही पता नहीं है, यानी कि आपका मम्मी पापा का नाम क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, वही पता नहीं, कितना अजीब लगेगा ना. और खुद के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है खुद के बारे में जानना. क्योंकि आगे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बाय मिस्टेकली या फिर एक्सीडेंटली, है ना, कहीं पर अगर आप लोग अपने मम्मी पापा से दूर हो जाओगे, ठीक है, बहुत भीड़ है, बहुत दूर हो जाओगे, है ना, तो आपका जो पुलिसमैन जो है आपको पकड़ के ले जाएंगे, क्योंकि आपके मम्मी पापा को पास भेज देना है ना पुलिसमैन को. पर पुलिसमैन अगर आके आप लोग को पूछेंगे कि बेटा आपका नाम क्या है, है ना, तो आप इजीली आप लोग आप पुलिसमैन को आपके नाम तो अच्छी तरीके से बता दोगे, पर आपका मम्मी पापा का नाम क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, मम्मी पापा का फ़ोन नंबर क्या है, अगर पुलिसमैन आपको पूछेंगे पर आपको पता ही नहीं है तो क्या होगा, परेशानी होगा ना बाद में, क्योंकि और आप लोग अपने घर भी नहीं जा पाओगे. इसीलिए हमें खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना. क्योंकि किसी और के बारे में जानने से पहले सबसे पहला चीज़ जो है वो हमें खुद के ही बारे में ही जानना है, ठीक है. तो इसीलिए ये जो हमारा आज का टॉपिक जो है इट्स मी, यहाँ पर सिर्फ हम खुद के ही बारे में पढ़ेंगे, किसी और के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज इट्स मी. सो अंडर दिस आज हम इट्स मी में पढ़ेंगे अबाउट मी, यानी कि खुद के बारे में पढ़ेंगे अबाउट मी, है ना, और उसके बाद हम पढ़ेंगे माई लाइक्स और माई डिसलाइक्स और माई हॉबी, ठीक है. तो अबाउट मी यानी खुद के बारे में, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है वो भी हम देखेंगे. और यहाँ पर बताया गया है कि माई लाइक्स माई डिसलाइक्स, यानी कि आप लोग का लाइक्स और आप लोग का डिसलाइक्स के बारे में बताना है. पर सबसे पहले लाइक्स का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है ना, एंड डिसलाइक्स का मतलब क्या है वो देखेंगे हम. और उसके बाद एट द एंड हम क्या देखेंगे, माय हॉबी. तो हॉबी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉबी, वो भी हम आज के क्लास में देखेंगे, ठीक है. सो यानी कि अबाउट मी जो है, यानी कि सबसे पहला जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे. अबाउट मी करने से पहले हम थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, ठीक है. तो ये जो वर्क जो है, लिस्ट फोर एक्टिविटीज दैट यू लव टू डू. तो आप लोग को क्या क्या करना पसंद हो, जिस आप लोग को एक पर्टिकुलर चीज़ जो है करना बहुत पसंद है ना, किसी को पसंद नहीं है, है ना. और यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, फोर थिंग्स लिखना है, फोर एक्टिविटीज आप लोग को करना, क्या क्या फोर एक्टिविटीज आपको क्या क्या करना पसंद है वही आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है. तो हम तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या पसंद है वही लिख रहे हैं, पर आप लोग जब लिखेंगे तो आप लोग को खुद के बारे में लिखना है, आपको क्या क्या पसंद है, किसी और के बारे में नहीं. क्योंकि यही ये लेसन जो है, लेसन का ही नाम है इट्स मी, यानी कि हमारे खुद के बारे में. तो जब भी आप लिखेंगे यहाँ पर तो खुद के ही बारे में लिखना है, किसी और के बारे में नहीं लिखना है, ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फोर एक्टिविटीज दैट यू लव टू डू. तो हमें क्या करना पसंद है, पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो हम पेंटिंग लिखेंगे, ठीक है. और उसके बाद रीडिंग, हम रीडिंग करना बहुत पसंद है ना. और उसके बाद हमें कुकिंग, है ना.
और उसके बाद हमें पता है हमें पसंद है नीकी। अच्छा तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमें फोर थिंग्स जो है क्या क्या करना पसंद है वो तो हमने यहाँ पर लिख लिया। जैसे कि हमें पेंटिंग करना बहुत पसंद है, बुक्स रीड करना बहुत पसंद है यानी कि रीडिंग, एंड हमें कुकिंग करना भी बहुत पसंद है क्योंकि कुकिंग में भी एक एक्टिविटी है जो हम फ्री टाइम में करते हैं, है ना। तो कुकिंग करना भी हमें बहुत पसंद है, और नीटिंग यानी कि सिलाई बुनाई करना हमें बहुत पसंद है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर लिख लिया। पर जब भी आप लोग लिखेंगे तो किसी आपके दोस्त के बारे में या फिर हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं वही नहीं लिखना है, आपको खुद को क्या पसंद है वही फोर एक्टिविटीज़ आप लोग को यहाँ पर लिखना है। क्योंकि लेसन का ही, क्योंकि हमारा जो टॉपिक जो है टॉपिक का ही नाम है इट्स मी, इसलिए हम किसी और के बारे में क्यों लिखना, हमें खुद के ही बारे में यहाँ पर लिखना है। ओके सो नाउ अबाउट मी, तो अबाउट मी यानी कि अब हम लिखेंगे लेट अस गेट टू नो अबाउट यू। तो अब हम ये जो टॉपिक जो है इट्स मी में अब हम खुद के ही बारे में जानेंगे, और खुद के बारे में किस तरीके से लिखना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप बॉय हो तो किस तरीके से लिखना है, और अगर आप गर्ल हो तो किस तरीके से लिखना है, क्योंकि सर्टन डिफरेंसेस तो होता है बॉयज एंड गर्ल्स में, है ना। तो वही हम आज के ये जो टॉपिक जो है इट्स मी वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, किस तरीके से आप लोग खुद के बारे में लिखेंगे, और किसी और को आप लोग किस तरीके से खुद के बारे में बताएंगे, कैसे बताना है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। सो आई एम क्या है, यानी कि यहाँ पर आई एम योर नेम, यानी कि आप लोग को यहाँ पर खुद के बारे में लिखना है। आई एम क्या है वो लिखना है, यानी कि आई एम श्रुति, तो क्या है नाम श्रुति, सो आई एम श्रुति, यानी कि यहाँ पर मैं श्रुति हूँ कह रही है। और अगर आप लोग खुद के बारे में बता रहे हैं तो खुद का नाम बताना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो गर्ल जो है हमारे यहाँ पर उनका नाम क्या है, श्रुति है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रही है वो, आई एम श्रुति। सो आफ्टर दैट आई एम डैश, तो श्रुति जो है हमारा बॉय है या फिर गर्ल है, ऑब्वियसली गर्ल है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई एम अ गर्ल। तो श्रुति क्या बता रही है, आई एम श्रुति, यानी कि मैं श्रुति हूँ, आई एम अ गर्ल, और मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। अगर आप लड़की हो तो आप नहीं बताओगे ना आई एम अ बॉय, है ना, तो ऑब्वियसली आप लोग आई एम अ गर्ल ही बताओगे, तो इसलिए यहाँ पर है आई एम अ गर्ल। सो आफ्टर दैट ये हमारा गर्ल का पार्ट हो गया, तो यहाँ पर है हमारा बॉय, है ना। तो बॉय के बारे में आप लोग को यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर है आई हैव डैश डैश आईज, यानी कि आप लोग को यहाँ पर जो बॉय जो है उनका आई कलर के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। आई हैव यानी कि मेरा किस रंग का आई है वही बता रहे वो, तो आई हैव ब्लू आईज। तो यहाँ पर जो बॉय जो है उनका आई का कलर कैसा है, ब्लू, तो इसलिए जो वो बता रहा है आई हैव ब्लू आईज, यानी कि मेरा ब्लू कलर का आई है यही बता रहा है ये जो हमारा बॉय जो है वो, ठीक है। सो आफ्टर दैट आई हैव डैश हेयर, तो हेयर जो है लंबा छोटा, है ना, या फिर कर्ली स्ट्रेट हेयर, ये सब नहीं बता रहा है वो क्या बता रहा है, कलर, यानी कि हेयर का कलर किस रंग का है उसका हेयर का कलर। एंड आईज तो ऑलरेडी उसका ब्लू कलर का है, हमने लिख लिया है ना आई हैव ब्लू आईज, एंड हेयर कलर कैसा है, आई हैव ब्लैक हेयर। तो जब भी आप लोग यहाँ पे हेयर देखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में दिखना है कि स्ट्रेट है या कर्ली है कि, है ना, या लंबा है या छोटा है, या फिर किस कलर का पूछ रहा है वो आपको ब्रैकेट में देखना है और उसके ही हिसाब से यहाँ पर लिखना है कि ब्लैक हेयर है या ब्राउन, है ना, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक बॉय और एक गर्ल के बारे में लिखा, पर जब भी आप लोग खुद के बारे में लिखेंगे तो खुद के ही बारे में बताना है कि आप गर्ल हो या बॉय हो, आपका नाम क्या है, आपका हेयर का कलर जो है वो कैसा है, एंड आपका आई कलर जो है कैसा है, इस तरीके से आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्रुति का है आई एम श्रुति,
आई एम अ गर्ल. तो ये जो हम लोग बॉय जो है, बॉय ने बताया कि आई हैव ब्लू आईज, आई हैव ब्लैक हेयर. ओके, सो ये तो हमारा हो गया है ना. अब हम श्रुति और जो बॉय जो है उसका वन बाय वन लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पर जो गर्ल जो है, गर्ल का नाम श्रुति है, वो तो हमें पता है क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है ना. पर यहाँ पर जो बॉय जो है, बॉय का नाम क्या है, वो हम वन बाय वन करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. माय नेम इज, तो यहाँ पर जो गर्ल जो है उनका नाम क्या है, माय नेम इज श्रुति, एस एच आर यू टी आई, श्रुति. यहाँ पर गर्ल का नाम क्या है, गर्ल बता रही कि आई एम, माय नेम इज श्रुति, यानी कि मेरा नाम श्रुति है. आई एम अ गर्ल, तो श्रुति हमारा गर्ल है, तो गर्ल के ऊपर टिक करेंगे. और उसके बाद आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यानी कि श्रुति कितने साल की है, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड. माय बर्थडे इज ऑन, तो मेरा बर्थडे यानी कि श्रुति का बर्थडे कब है, माय बर्थडे इज ऑन 14th सितंबर. My birthday is on 14th September. यानी कि श्रुति का बर्थडे कब है, 14th September. और एक बात, जब भी आप लोग आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे है ना, जब भी आप लोग आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो हमेशा आपके ये जो ऊपर जो टी एच, जिसे हम ऑर्डिनल नंबर्स बताते हैं, जो आप लोग ने मैथ्स में पढ़ाई है, सबने पढ़ाई है ये ऑर्डिनल नंबर्स है ना, तो आप लोग को ये जो ऑर्डिनल नंबर्स जो है वो भी आप लोग को लिखना पड़ेगा, इट्स कंपलसरी है ना. क्योंकि 14th सितंबर नहीं बता सकते, ये वो रॉन्ग वे है. तो आपका बर्थडे कब है, 2nd अक्टूबर या फिर 3rd अक्टूबर, 4th अक्टूबर, 5th अगस्त, ये सब होता है. और यहाँ पर भी श्रुति का बर्थडे 14th सितंबर को है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माय बर्थडे इज ऑन 14th सितंबर. उसके बाद है आई स्टडी इन क्लास 2, तो श्रुति क्लास 2 में पढ़ती है. और सेक्शन ए या सेक्शन बी है ना, वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है. तो यहाँ पर जो गर्ल जो है जिसका नाम श्रुति जो है, वो आई स्टडी इन क्लास 2A, यानी कि श्रुति क्लास 2A में पढ़ती है. द नेम ऑफ माई स्कूल इज, तो यहाँ पर श्रुति क्या बता रही है, मेरा स्कूल का नाम. ठीक है, मेरा स्कूल का नाम रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल. तो यहाँ पर श्रुति के स्कूल का नाम क्या है, रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल. यानी कि यहाँ पर श्रुति जो है खुद के बारे में ही हम लोग को बता रहे हैं. ठीक है, जैसे कि माय नेम इज श्रुति, यानी कि मेरा नाम श्रुति है, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मैं 6 साल की हूँ, माय बर्थडे इज ऑन 14th सितंबर, मेरा जन्मदिन जो है वो 14th सितंबर को है, आई स्टडी इन क्लास 2A, मैं क्लास 2A में पढ़ती हूँ, द नेम ऑफ माई स्कूल इज रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल, मेरे स्कूल का नाम रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल है. इस तरीके से यहाँ पर श्रुति जो है खुद के बारे में ही हम लोग को बता रहे हैं. तो अगर आप लोग खुद के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर मेरा नाम है ना, अगर मान लो कि आपका नाम जो है, आपका नाम मोनिका है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि माई नेम इज मोनिका है ना, यानी कि मेरा नाम मोनिका है. यहाँ पर हम श्रुति लिख रहे हैं, तो आप लोग को श्रुति नहीं लिखना है, आप लोग को खुद का नाम लिखना है. क्योंकि अगर आप लोग खुद के बारे में बता रहे हैं तो खुद का नाम लिखना है, जिसके माय नेम इज मोनिका, आई एम अ गर्ल, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, माय बर्थडे इज ऑन 16th अक्टूबर, आई स्टडी इन क्लास 2A. अगर आप 2B हो तो 2B भी लिख सकते हो है ना. और आपके स्कूल का नाम लिखना है, द नेम ऑफ माई स्कूल इज रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल. इस तरीके से आप लोग को खुद के बारे में लिखना है. ठीक है, और उसके बाद और है हमारा
तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर श्रुति जो है खुद के बारे में ही बता रही है हम लोग को, ठीक है। और जब भी आप खुद के बारे में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से ही आप लोग को लिखना है। सो माई एड्रेस इज, तो श्रुति कहाँ पर रहती है, एड्रेस यानी कि उनका घर कहाँ पर है, कहाँ पर रहती है श्रुति। सो माई एड्रेस इज नाचा, तो श्रुति कहाँ पर रहती है, नाचाप में रहती है, ठीक है। माई एड्रेस इज नाचाप। माई बेस्ट फ्रेंड इज, तो श्रुति का बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, सबका बेस्ट फ्रेंड तो होता ही है स्कूल में, है ना, जो आप लोग साथ में लंच करते हो, साथ में ही क्लास में बैठते हो, है ना, तो बेस्ट फ्रेंड तो होता ही है। तो यहाँ पर श्रुति का बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड इज अलीशा, तो श्रुति का बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, अलीशा। I love to play, यानी कि different different people को different different चीज़ खेलना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर श्रुति को क्या खेलना पसंद है, I love to play hide and seek, यानी कि लुका छुपी खेलना बहुत पसंद है श्रुति को। hide and seek यानी कि लुका छुपी, है ना, तो लुका छुपी खेलना श्रुति को बहुत पसंद है। तो श्रुति का फेवरेट कलर क्या है, My favorite color is व्हाइट, यानी कि श्रुति का फेवरेट कलर क्या है, व्हाइट। तो यहाँ पर श्रुति जो है हम लोग को बता रहे हैं कि वो कहाँ पर रहती है, उनका बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, उसे क्या खेलना पसंद है और उनका फेवरेट कलर क्या है, ये यहाँ पर श्रुति जो है हम लोग को बता रही है। पर आप लोगों को क्या करना है, आपके ही बारे में लिखना है, ठीक है, खुद के बारे में ही आप लोग को बताना है। जिस तरीके से यहाँ पर श्रुति हम लोग को बता रही है ना, और जब भी आप लोग खुद के बारे में लिखेंगे तो खुद के ही बारे में हम लोग को इसी तरीके से आपको बताना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा श्रुति का, एक बार फिर से देखते हैं। माय नेम इज श्रुति, आई एम अ गर्ल, आई एम 6 इयर्स ओल्ड, माय बर्थडे इज ऑन 14th सितंबर, आई स्टडी इन क्लास 2A, द नेम ऑफ माय स्कूल इज रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल, माय एड्रेस इज नाचाप, माय बेस्ट फ्रेंड इज अलीशा, आई लव टू प्ले हाइड एंड सीक, माय फेवरेट कलर इज व्हाइट। तो ये हो गया हमारा श्रुति का। अब हम देखेंगे श्रुति जो है वो एक गर्ल है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे बॉय का। एंड थोड़ी देर पहले हमने इसी बॉय का आई कलर और हेयर कलर के बारे में हमने पढ़ा, है ना, इसका नाम क्या है अब हम देखेंगे। और यहाँ पर जो बॉय जो है, जिस तरीके से श्रुति ने हम लोग को खुद के बारे में बताया, यहाँ पर जो बॉय जो है वो भी खुद के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। और अगर आप बॉय हो तो आप लोग को भी इसी तरीके से ही लिखना है खुद के बारे में, ठीक है। तो माय नेम इज साहिल, तो यहाँ पर जो बॉय जो है उनका नाम क्या है, साहिल है, क्या है नाम, साहिल। I am a boy or a girl, तो साहिल जो है वो हमारा लड़का है या लड़की है, बॉय है या गर्ल है, साहिल जो है वो है हमारा बॉय, तो बॉय के ऊपर टिक मार्क करेंगे। And after that, I am 7 years old, यानी कि साहिल जो है कितने साल के है, 7, यानी कि साहिल जो है हम लोग को बता रहा है कि मेरा नाम साहिल है, मैं एक लड़का हूँ और मैं 7 साल का हूँ, यही बता रहा है साहिल, है ना। तो साहिल का बर्थडे कब है, माई बर्थडे इज ऑन 2nd August, तो एनडी ऑर्डिनल नंबर हमने बताया है। अगर आप लोग को आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो ऑर्डिनल नंबर जो है आप लोग को यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ राइट वे टू राइट योर डेट ऑफ बर्थ, ओके। सो यहाँ पर साहिल जो है हम लोग को बता रहा है कि साहिल का बर्थडे जो है वो 2nd August को है, ठीक है। आई स्टडी इन क्लास, तो साहिल कौन से क्लास में पढ़ता है, आई स्टडी इन क्लास 2, तो श्रुति तो क्लास 2A में है, तो साहिल जो है वो है क्लास 2B। आपका जो भी सेक्शन है वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है, सो आई स्टडी इन क्लास 2B। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, तो साहिल का स्कूल का नाम क्या है, द नेम ऑफ माई स्कूल इज रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल, तो साहिल का स्कूल का नाम क्या है,
रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। तो यहाँ पर साहिल जो है हम लोग को बता रहा है कि उनका नाम साहिल है और वो एक बॉय है, वो 7 साल का लड़का है और उनका बर्थडे जो है वो 2 अगस्त को है और साहिल जो है क्लास 2B में पढ़ता है और साहिल का स्कूल का नाम है रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। ओके, सो आफ्टर दिस माय एड्रेस, एड्रेस यानी कि उनका पता, साहिल का पता, साहिल कहाँ पर रहता है। ठीक है, माय एड्रेस इज नाछाप, तो साहिल कहाँ पर रहता है, नाछाप में रहता है। माय बेस्ट फ्रेंड इज, यानी कि साहिल का बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले श्रुति का बेस्ट फ्रेंड के नाम पढ़ा है ना, क्योंकि सबका बेस्ट फ्रेंड होता ही है, जो आप लोग बहुत मस्ती करते हो, साथ में खाना खाते हो एंड साथ में खेलते हो है ना, एक साथ बैठते हो क्लास में। तो इसी तरीके से साहिल का बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, माय बेस्ट फ्रेंड इज आतिश। तो साहिल का बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, आतिश। ठीक है, आई लव टू प्ले, अब साहिल को क्या खेलना पसंद है, श्रुति को तो हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद है, तो साहिल को खेलना क्या पसंद है, आई लव टू प्ले फुटबॉल, यानी कि साहिल को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। माय फेवरेट कलर इज, तो साहिल का फेवरेट कलर क्या है, माय फेवरेट कलर इज रेड, यानी कि साहिल का फेवरेट कलर क्या है, रेड। तो ये रहा साहिल का फेवरेट कलर, उनका बेस्ट फ्रेंड का नाम, उसे क्या खेलना पसंद है। पर अगर आप लोग लिखेंगे तो खुद के ही बारे में लिखना है, जिस तरीके से यहाँ पर श्रुति और साहिल हम लोग को खुद के बारे में बता रहे हैं, तो आप लोग भी जब कॉपी में लिखेंगे या फिर किसी और को बताएंगे तो कुछ इस तरीके से ही आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो एक बार हम साहिल का पोर्शन एक बार फिर से देखते हैं। माय नेम इज साहिल, आई एम अ बॉय, आई एम 7 years old, माय बर्थडे इज ऑन 2 अगस्त, आई स्टडी इन क्लास 2B, द नेम ऑफ माय स्कूल इज रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल, माय एड्रेस इज नाचाप, माय बेस्ट फ्रेंड इज आतिश, आई लव टू प्ले फुटबॉल, माय फेवरेट कलर इज रेड। तो ये रहा हमारा अबाउट माय सेल्फ, यानी कि अबाउट माय सेल्फ यानी कि यहाँ पर हमने सिर्फ आपको क्या पसंद है, आपका घर कहाँ पर है, आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, ये सब हमने देखा। तो यानी कि जब हमने शुरू किया था अबाउट मी है ना, तो ये अबाउट मी जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग को खुद के बारे में कुछ इस तरीके से ही लिखना है। अगर आप गर्ल है तो यहाँ पर जिस तरीके से श्रुति ने हम लोग को खुद के बारे में बताया, आप लोग को वहाँ पर इसी तरीके से ही पर खुद के बारे में बताना है, श्रुति के बारे में नहीं खुद के बारे में ही बताना है। और उसके बाद अगर आप गर्ल जो है गर्ल है तो यहाँ पर जो साहिल ने हम लोग को खुद के बारे में बताया है तो आप लोग को खुद के ही बारे में ही बताना है, साहिल के बारे में नहीं खुद के ही बारे में पर कुछ इस तरीके से ही आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा अबाउट मी जो कंप्लीट हो गया। तो अब हम लिखेंगे माय लाइक्स, तो माय लाइक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक्स। लाइक्स, लाइक्स यानी कि लाइक्स का मतलब जो है आपका पसंदीदा चीज क्या है, जो गेम्स में होता है, जो खाने में होता है, कलर में होता है एंड फ्लावर्स है ना, मूवीज वगैरह ये सब होता है, आपका फेवरेट कार्टून जो होता है, आपको क्या पसंद है, जो हमें बहुत पसंद है उसे हम बोलते हैं लाइक्स और जो हमें पसंद नहीं है वो है हमारा डिसलाइक्स है ना। तो सबसे पहले हम लाइक्स यानी आपको क्या पसंद है, क्योंकि आपको जो भी पसंद है वही तो आप बार बार करेंगे ना, अब जो आपको पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या क्या पसंद है वो हम यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर तो हमें क्या पसंद है वही देख रहे हैं, पर अगर आप लोग खुद के बारे में लिखना है तो यहाँ पर आपका खुद का फेवरेट गेम्स एंड फेवरेट कलर एंड फेवरेट फ्लावर लिखना है। तो यहाँ पर तो हमने सिर्फ गेम कलर एंड फ्लावर ही डाला है, पर आप लोग को फेवरेट कार्टून एंड फेवरेट फूड ये सब भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये सब लाइक्स में ही आता है। सो माय फेवरेट गेम इज, तो फेवरेट गेम क्या है मेरा, माय फेवरेट गेम इज बास्केटबॉल,
बास्केटबॉल. सो मेरा फेवरेट गेम क्या है? बास्केटबॉल. तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर हमें बास्केटबॉल बहुत पसंद है तो आप लोग को भी बास्केटबॉल ही पसंद होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पीपल का डिफरेंट डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स होता है, यानी कि पसंदीदा चीज़ और जो पसंद नहीं है वो अलग अलग होता है. अगर हमें बास्केटबॉल खेलना पसंद है, शायद आप लोग को फुटबॉल खेलना पसंद होगा, है ना? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट डिफरेंट लाइक्स होता है. तो इसलिए यहाँ पर हमारा लाइक्स जो है वो है बास्केटबॉल. एंड आफ्टर दिस कलर. सो मेरा फेवरेट कलर क्या है? फेवरेट कलर इज वाइट. तो हमें वाइट जो है बहुत पसंद है. तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा फेवरेट कलर वाइट है तो हम यहाँ पर वाइट लिख रहे हैं तो आप लोग को भी सिर्फ वाइट ही लिखना है, ऐसा नहीं है. आपका जो फेवरेट कलर जो है वही आप लोग को लिखना है. फ्लावर इज, सो मेरा फेवरेट फ्लावर क्या है? माई फेवरेट फ्लावर इज लिली. तो यहाँ पर हमने लिली लिखा. तो अगर हम यहाँ पर लिली लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका भी लिली होना चाहिए. रोज भी हो सकता है, मेरीगोल्ड हो सकता है, डेलिया हो सकता है ना, बहुत प्रकार का लैवेंडर बहुत हो सकता है ना. तो क्या लिखना है आपको? फेवरेट फ्लावर ही लिखना है. तो ना एक बार फिर से देखते हैं लाइक्स, यानी कि आपका पसंदीदा चीज क्या है. सो माई फेवरेट गेम इज बास्केटबॉल, कलर इज वाइट एंड फ्लावर इज लिली, ठीक है? सो नाउ तो यहाँ से हमारा ये जो लाइक्स जो है वो भी कंप्लीट हो गया. हमने खुद के बारे में भी पढ़ लिया और हमें क्या पसंद है वो भी हमने लिख लिया. अब डिसलाइक्स, यानी कि आपको क्या पसंद नहीं है, डिसलाइक्स वो देखेंगे. और उसके बाद आपका हॉबी क्या है ना, आपका हॉबी क्या है, आपका हॉबी क्या है वो जानने से पहले हॉबी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉबी, वो हम देखेंगे. ओके, सो नाउ डिसलाइक्स एंड हॉबीज से हम स्टार्ट करते हैं. डिसलाइक्स, आपको क्या पसंद नहीं है, ठीक है? डिसलाइक्स पसंद नहीं है वो है. सो राइट द नेम ऑफ एनी वन थिंग दैट यू डिसलाइक्स. तो यहाँ पर सर्टन चीज़ जो है आपको क्या करना पसंद नहीं है. तो यहाँ पर तो हम खुद के बारे में लिख रहे हैं, पर अगर आप लोग खुद के बारे में लिख रहे हो तो खुद का ही डिसलाइक्स के बारे में आप लोग को लिखना है. तो हमें क्या पसंद नहीं है? वेजिटेबल्स. राइट द नेम्स ऑफ एनी वन थिंग्स दैट यू डिसलाइक्स, यानी क्या पसंद नहीं है वही आप लोग को यहाँ पर लिखना है. तो वेजिटेबल्स हमें क्या पसंद नहीं है? स्पिनच, यानी एक साग है जो हमें पसंद नहीं है, तो वेजिटेबल्स हम वो लिखेंगे. एक्टिविटी, यानी कि क्या करना आपको पसंद नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर तो हम खुद के बारे में लिखेंगे. तो एक्टिविटी यानी कि हमें क्या करना पसंद नहीं है, हमें फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमें पैर में बहुत दर्द होता है, इसलिए हमें फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है. एंड फ्रूट, एंड फ्रूट में क्या पसंद नहीं है? पाइनएप्पल, पाइनएप्पल जो है हमें पसंद नहीं है. तो यहाँ पर हमें क्या हमें पसंद नहीं है वही लिखा है. पर जब आप लोग लिखेंगे तो खुद के ही बारे में लिखना है कि आप लोग को क्या पसंद नहीं है वही यहाँ पर आप लोग को लिखना है, ठीक है? सो ये रहा हमारा डिसलाइक्स. तो हमने यहाँ पर अबाउट मी भी लिख लिया एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी कर लिया. अब हम माय हॉबी करेंगे, पर माय हॉबी करने से पहले हम एक और भी टॉपिक करेंगे, दैट इज आई कार्ड, ठीक है? क्योंकि खुद के बारे में जब भी हम बताते किसी और को, है ना, एक आई कार्ड भी वहाँ पर इंक्लूड होता है. आई कार्ड यानी कि नॉट ओनली स्टूडेंट्स, सबके पास में होता ही है, जो ऑफिस में काम करता है एंड इवन टीचर्स और आप सब लोग हैं ना स्टूडेंट्स, सबके पास से आई कार्ड होता ही है. आई कार्ड यानी कि जो आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड को हम आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, ये यानी कि उसे क्या पता चलता है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, आप कहाँ पर रहते हो, ये सब पता चलता है ना. तो हम आइडेंटिटी कार्ड के बारे में हम देखेंगे, ठीक है? तो आई कार्ड जो है कुछ इस प्रकार के होते हैं, है ना, इसे गले में पहनाया जाता है, क्योंकि इस तरीके से होता है यहाँ पर, है ना. यहाँ पर गर्ल जो है, एक स्टूडेंट जो है, उन्होंने आईडी कार्ड दिखा रहा है ना हम लोग को,
एंड आईडी कार्ड जो है कुछ इस प्रकार के ही होते हैं, जहाँ पर आपका नाम, आपका एड्रेस ये सब लिखा गया होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग कहीं पर गुम हो जाओगे, है ना, तो कोई भी आके आपका आईडी कार्ड देखे, आप समझ में आएगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर रहते हो, फ़ोन नंबर क्या है, है ना। और उसके बाद अगर आपका बैग जो है गुम हो जाता है, तो उसी बैग के अंदर आपका अगर आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो आइडेंटिटी कार्ड देख के जिसको भी मिलेगा आप लोग को तुरंत जो है लौटा देगा। तो यही है इम्पोर्टेंस आई कार्ड का, एंड आई कार्ड को हम आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी कार्ड में भी अब हम गर्ल एंड बॉय का हम अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गर्ल जो है आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है, कुछ इस प्रकार के ही होते हैं, पर इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है जिसे गले में पहनाया जाता है, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं होता, ये जस्ट सैंपल है। और रियल में एक्चुअल में आईडी कार्ड जो है सिर्फ छोटा सा ही होता है गले में पहनने के लिए। सो नेम, यहाँ पर गर्ल जो है उनका नाम क्या है, नेम अनुषा, क्या है नाम, अनुषा। फादर्स नेम यानी कि पापा का नाम भी होता है आईडी कार्ड में इस तरीके से ही, और एक साइड में फोटो होता है जिससे कि पता चल सके कि यहाँ पर जो जो आप पहन रहे हो ना आईडी कार्ड जो है ना वो आपका ही है, इस तरीके से पता हो सके, इसलिए आईडी कार्ड में हमेशा फोटो होता ही है। सो फादर्स नेम, फादर्स नेम भी होता है वहाँ पर, फादर्स नेम यानी कि रवि। मदर्स नेम, मदर्स नेम होगा हमारा पिंकी। ब्लड ग्रुप यानी डिफरेंट डिफरेंट पीपल का डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप होता है, तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव। एड्रेस क्या है, नाछाप। क्लास 2 सेक्शन ए, रोल नंबर 2, एंड स्कूल नेम रिद्धि सिद्धि। सेंट्रल स्कूल, तो कुछ इस प्रकार के ही होता है हमारा आइडेंटिटी कार्ड, जो छोटा सा होता है या तो बहुत बड़ा है, एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है जो आप लोग पहन के चलते हैं। तो आईडी कार्ड में हमेशा खुद का नाम होता है, एक तरफ फोटो होता है जिससे पता चल सके कि वो आईडी कार्ड आपका ही है, एंड फादर्स नेम होता है, मदर्स नेम होता है, एंड ब्लड ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट पीपल का डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप होता है, तो ब्लड ग्रुप क्या है, आप कहाँ पर रहते हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो, कौन सा सेक्शन, एंड रोल नंबर क्या है, और स्कूल का नाम क्या है, इस तरीके से वहाँ पर होता है। ये रहा हमारा गर्ल का। तो अब हम बॉय का देखेंगे। बॉय नेम राहुल, फादर्स नेम अंकित, मदर्स नेम टीना। ब्लड ग्रुप यानी कि क्या है, बी पॉजिटिव है हमारा राहुल का। एड्रेस अच्छा, क्लास 2 सेक्शन बी, रोल नंबर 15, स्कूल नेम रिद्धि सिद्धि। सेंट्रल स्कूल यानी कुछ इस प्रकार के ही होते हैं आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आई कार्ड है ना, अगर आप बॉय हो तो ऐसा ही होता है, खुद का नाम, आपका पापा का नाम, आपका मम्मी का नाम, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, एंड कौन सा सेक्शन, रोल नंबर क्या है, और आपका स्कूल का नाम क्या है, ऐसा होता है आई कार्ड, ठीक है। तो हमने आइडेंटिटी कार्ड भी हमने पढ़ लिया, तो अब हम देखेंगे हॉबी। तो हॉबी क्या है, व्हाट इज हॉबी, ठीक है, व्हाट इज हॉबी, द एक्टिविटी दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम इज कॉल्ड हॉबी। तो ऐसा है कि हॉबी का मतलब है एक एक्टिविटी जो आप लोग फ्री टाइम में करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हॉबी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सुबह से लेके शाम तक सिर्फ पढ़ाई 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 करते हो, ऐसा नहीं है, बीच में गैप तो होना चाहिए ना। स्कूल में भी सुबह से लेके शाम तक तो सिर्फ आप पढ़ाई ही पढ़ाई ये सब तो नहीं करते हो, बीच में फ्री टाइम होता ही है। तो उस फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद है आप लोग को, वही तो करते हो, और इसे ही हम बोलते हैं हॉबी, ठीक है।
तो जैसे कि उसमें अगर आप फ्री टाइम में किसी को पेंटिंग करना बहुत पसंद है, या फिर किसी को स्केच करना बहुत पसंद है, या फिर किसी को डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल खेलना पसंद होगा, या फिर किसी को गाना गाना बहुत पसंद होगा, है ना, या फिर किसी को डांस करना बहुत पसंद होगा, और या फिर किसी को क्या है कुकिंग करना बहुत पसंद होगा, या फिर किसी को स्टोरी बुक पढ़ना बहुत पसंद होगा, या फिर किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी गिटार वगैरह करना पसंद होगा, या फिर किसी को पौधों को पानी डालना ये सब पसंद होगा। और ये जो है हम सब फ्री टाइम में ही करते हैं। तो जो कोई भी एक्टिविटी हम फ्री टाइम में करते हैं उसे ही हम बोलते हैं हॉबी। ठीक है, तो हॉबी का मतलब पता चल गया ना आप लोग को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉबी। तो हॉबी जो है एन एक्टिविटी विच वी लाइक टू डू इन आवर फ्री टाइम इज कॉल्ड हॉबी। यानी कि जो कोई भी काम जो है जो हम फ्री टाइम में करते हैं उसे ही हम बोलते हैं हॉबी। और हॉबी में आप लोग का डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कुकिंग, रीडिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब आता है। और इसे छोड़ के आप लोग को और क्या क्या करना पसंद है, इसकी फिशिंग भी हो सकता है, गार्डनिंग, ये सब जो आप लोग सब काम जो फ्री टाइम में करते हैं उसे ही आप बोलते हैं हॉबी। ठीक है, सो विद दिस कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक दैट इज इट्स मी। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक जो है इट्स मी वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो जाते जाते आप सब लोग क्लियर हो गए होंगे कि आप लोग को खुद के बारे में किस तरह से लिखना है, किसी और को खुद के बारे में किस तरह से बताना है, आपका फेवरेट यानी कि आपका फेवरेट फ्लावर्स जो होता है या फिर आपका फेवरेट कलर जो होता है उसे हम लाइक्स बोलते हैं, आपका लाइक्स जो है, आपको जो को भी पसंद नहीं होता है उसे हम डिसलाइक्स बोलते हैं, एंड आई कार्ड जो है उसे हम पता चलता है कि आप कहाँ पर रहते हो, आपका नाम क्या है, आई कार्ड के बारे में हमने पढ़ लिया, और उसके बाद आपका हॉबी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉबी, ये सब भी हमने देख लिया। और आई होप आप सब लोग क्लियर हो गए होंगे कि आज के टॉपिक दैट इज इट्स मी में, है ना। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक दैट इज इट्स मी। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।